सेटअप हो गया है तैयार। अभी हम हैं विक्रम ज्योत पे और गोरखपुर से हमने जो है ब्लॉगिंग नहीं शूट किया क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से वहाँ कुछ दिखाने को खास था नहीं। लगभग 10 बजे हम चले थे, अभी बज रहे हैं 12:50। रुक जा, 12:50 हो रहा है और हम फिर से रेडी हैं एक नए राइड को अंजाम देने के लिए। तो फाइनली चलते हुए एक्स्ट्रा ले लो, 2 भैया 2 एक्स्ट्रा दे दीजिए बस। पानी पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, हेलमेट लगा रहता है पानी पी नहीं पाते। कितना देना? ठीक भाई, लखनऊ से निकल चुके हैं, डिनर कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं खाया, चावल नहीं खाया ताकि नींद ना आए, और अभी हो रहे हैं लगभग 10:30 और जहाँ हमें जाना है उसकी दूरी लगभग 470 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, मतलब दिल्ली यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर है। 10:30 हो रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बाहर निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है, अभी हम लखनऊ से बाहर निकले हैं और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे शायद हैं, एक्सप्रेसवे पे नहीं है मतलब उसको लिंक करने वाले हैं, और 11 बज चुका है, 7:40 अभी भी दिखा रहा है। फाइनली हम जो है आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं, 445 किलोमीटर, 7:36। फाइनली आगरा एक्सप्रेसवे का टोल आ गया है और हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि इसमें टोल लगता है कि नहीं लगता है, बाइक अलाउड है कि नहीं अलाउड है। बहुत दबे मन से एक डर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। अगर इसने वापस कर दिया तब क्या होगा फिर इतना दूर वापस जाना पड़ेगा। आई होप सो, लेकिन गूगल मैप लेट तो आया है और मैंने बाइक वाला ही वो लगाया है मैप, उस पर तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं क्या करता है। जा चलो, ठीक है भाई अलाउ तो किया, हमें तो डर ही लग रहा था भाई साहब। 45 किलोमीटर गाड़ी रिजर्व में चली है और जैसे तैसे ये देखो यार, पानी मिल जाए तो ले लो यार, है तो पानी ले लो, कुछ बिस्किट ले लो। बहुत गलती की हम लोग, ना कुछ ना अपने लिए रखे और ना ही जो है
अपने गाड़ी के लिए। वो तो भला हो, उसने बोला भाई कि चढ़ जाइएगा आप लोग, वैसे अलाउ नहीं है, पूरा एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा। गाड़ी नंबर भी है, तो ये कहाँ तक चलेगी अब पर्ची, ये पूरा चलेगी मेन प्लाजा वहाँ से, मतलब सारी गाड़ी वहाँ से लास्ट तक। अच्छा लास्ट तक जाएगा, 265 रुपये है यहाँ से आगरा का। अच्छा 265 में 35 माइनस हो जाएगा बाकी हमारे। तो आगरा एक्सप्रेसवे से एग्जिट किए, रिजर्व में गाड़ी लगभग 45 किलोमीटर चली, उसके बाद एग्जिट करना पड़ा मजबूरन। हमने इमरजेंसी कॉल भी किया, उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप आगे जाइए एग्जिट मिलेगा, नहीं तो अभी इनका जो पेट्रोल पंप था वो लगभग 11 किलोमीटर आगे था, तो 11 किलोमीटर तो गाड़ी नहीं चल पाती क्योंकि ऑलरेडी 45 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चला चुके थे रिजर्व, इसलिए हमने एग्जिट करना पड़ा इमरजेंसी एग्जिट। उसके बाद जो है अब जब ऊपर से फिर दोबारा चढ़ना था, एंट्री था तो एंट्री नहीं दे रहे थे, कह रहे थे भैया 7 बजे तक एंट्री होती है ये वो। फिर हम लोग वहाँ गए जहाँ से हमने एग्जिट किया था, फिर वो कंट्रोल रूम है शायद, फिर उनसे बात हुई, फिर यहाँ है, फिर एप्लीकेशन लिखा हमने, उसके बाद जाके जो है एग्जिट, मतलब उन्होंने परमिशन दिया हमें। बड़ी दिक्कत है, लगभग 1 घंटा हमारा इसी सब में बर्बाद हो गया। खैर कोई नहीं, ये सब एक्सपीरियंस है, भूल करके भी जो है कभी इस तरीके की गलती नहीं होगी। मतलब अभी पहाड़ों पे चढ़े भी नहीं और हमारे पेट्रोल ही खत्म होने लगे, ये हाल है। प्लाजा ज़्यादा दूर नहीं था ये वैसे, लेकिन क्या पता नहीं खुलता तो दिक्कत हो जाती। अंदर चलेंगे क्या, तो फाइनली हमारा नाश्ता हो गया, हमारी धनुरानी गाड़ी का भी नाश्ता हो गया, अब फिर से निकल रहे हैं एक लंबे सफ़र पे। तो लाइट वो जला दे यार, अब सही है, तो देखिए कितना टाइम लगता है, लग रहा है 6-6.5 घंटा लगना चाहिए, लगभग 1:30 बजने वाले हैं। मस्त एक्सप्रेसवे बना हुआ है ये। हाईवे से हमको उतार दिया ये दिखा के कि हाँ अभी यहाँ से अलीगढ़ होते हुए चाहिए, और देख भी रहा था कि रूट निकल हम लोग आगरा काफ़ी दूर तक जा रहे थे, गूगल बाबा को मान लिया, गूगल बाबा ऐसे रास्ते पर ले आए हैं कि एकदम सन्नाटा, दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा, ट्रेन होता तो ठीक है लेकिन रात में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। 3 बजे से 5 बजे तक लगभग इस सरदार जी के ढाबे पे थे क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। बढ़िया, हम लोग एकदम चारपाई पे सोए, और फिर से अब अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं।
जाएगी। आ भैया दिल्ली दिल्ली दिल्ली। क्या भाई साहब दिल्ली चलना है? दिल्ली चलना है? आओ बैठो बैठो। एक नए जोश के साथ सुबह की शुरुआत हो चुकी है। 5:28 हो रहे हैं। मस्त हाईवे, मस्त मौसम और मस्त हम भी। सारी थकान मिट चुकी है, सिर्फ उस 2 घंटे की नींद जिसमें ढेर सारे मच्छर काट रहे थे, लेकिन कहाँ हमें होश। हम इसीलिए जैकेट वैकेट पहन के ही सोए थे। इवन हाथ में मच्छर काट रहा था तो मैंने बाद में ग्लव्स भी लगाए, चेहरे पे टॉवल डाला, सो गए। अलीगढ़ 140 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है। चल पाए तो